नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बात कर लेते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन नंबर 11 के एपिसोड नंबर 4 की, जहां विशाल आदित्य सिंह ने जीता दिल, अर्जुन द ब्रिजलाली ने जीता मैं दिल, और इन दोनों के अलावा अगर किसी और ने बहुत बड़ा वाला गोल्ड मेडल जीता है एक्टिंग में, मैनिपुलेशन में, तो वो है रोहित द शेट्टी। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि खतरों के खिलाड़ी का सबसे बेस्ट होस्ट है रोहित शेट्टी। बॉलीवुड के एक्सट्रीमली सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं और कंटेस्टेंट को बहुत अच्छे तरीके से टिप्स भी देते हैं कि पैनिक मत करो, कैसे स्टंट करना है, क्या उसमें वाकई में डर है या फिर साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग में एक फोबिया बैठ जाता है। तो रोहित शेट्टी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, लेकिन उतनी ही बेहतरीन तरीके से रोहित शेट्टी कलर्स के ब्लंडर्स को भी जस्टिफाई करते हैं, डिफेंड करते हैं। कल के एपिसोड में श्वेता तिवारी से थोड़ा सा कहीं ना कहीं श्वेता तिवारी ये कह रही थी और राहुल वैद्य और तमाम कंटेस्टेंट को भी लगा कि विशाल आदित्य सिंह, जिसे स्विमिंग नहीं आती है, उसने वो अंडर वाटर वाला जो स्टंट था वो अर्जुन बिजलानी से थोड़ा जल्दी किया था, देखने में सबको ऐसा लगा। लेकिन रोहित शेट्टी की घड़ी तो अलग ही चलती है। रोहित शेट्टी की घड़ी के मुताबिक एग्जैक्ट 20 मिनट लिए, एक सेकंड ऊपर नहीं, एक सेकंड नीचे नहीं, पूरे 20 मिनट लिए अर्जुन बिजलानी ने, लेकिन विशाल आदित्य सिंह ने 20 मिनट और 20 सेकंड लिए। आप अपनी स्क्रीन पर ये एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये जब स्टंट स्टार्ट किया था 1:45 जो दिखा रहा, मतलब 1 घंटा 45 मिनट जो ड्यूरेशन थी उस एपिसोड की, और एग्जैक्टली जो 2 घंटा होता है, 45 और 15 60 होते हैं, मतलब 60 और 60 120, तो जाके 2 घंटे पूरे होते हैं, और 1:45 से स्टंट शुरू होता है और एग्जैक्टली 2 घंटा पूरा हो इसके कुछ सेकंड पहले ही वो विशाल का स्टंट खत्म होता है। तो मतलब वो टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये स्टंट 15 मिनट के समथिंग था, लेकिन रोहित शेट्टी की घड़ी अलग ही चलती है। यही नहीं, सीजन का जो पहला स्टंट था जहां पर अर्जुन बिजलानी, श्वेता तिवारी और वो छोटी सी अनुष्का कम हाइट वाली, ये अब देखिए किस तरीके से अर्जुन बिजलानी को कहीं ना कहीं एक फेवर किया जा रहा है, उनके सामने श्वेता तिवारी और अनुष्का खड़ी हो गई थी और वहां अर्जुन बिजलानी जीत गए थे विद अ मार्जिन ऑफ फ्यू सेकंड्स। हमने कल भी देखा वो कैरवा के ऊपर वरुण सूद और अभिनव से थोड़े सेकंड ज्यादा अब ये अर्जुन बिजलानी थे, और हमने इस एपिसोड में देख लिया विशाल के साथ और श्वेता तिवारी के साथ जो स्टंट था वहां तकरीबन 12 मिनट और 54 सेकंड का ड्यूरेशन था श्वेता तिवारी का, और अर्जुन बिजलानी 12 मिनट और 26 सेकंड का ड्यूरेशन था। तो आप ये देख लीजिए कि कुछ सेकंड जो हैं वो अर्जुन बिजलानी को एक के मेडल दिला देते हैं, और कहीं ना कहीं जो एक नैरेटिव बन रहा है कि सबसे पहला कंटेस्टेंट इतिहास का, खतरों के खिलाड़ी के इतिहास का अर्जुन बिजलानी, जिन्होंने पहली बार कोई इम्यूनिटी मेडल जीत लिया है और ये इम्यूनिटी मेडल वो आगे चल के इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये जो के मेडल की लड़ाई थी इसमें अर्जुन बिजलानी जीत गए। देखिए मैं कोई क्रेडिट छीन नहीं रहा हूं अर्जुन बिजलानी से, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि किस्मत हद से ज्यादा ही किसी एक पर मेहरबान हो। हाँ, अर्जुन बिजलानी जो टी शर्ट पहन के आए थे उस पर लिखा हुआ था लकी, तो वो हद से ज्यादा लकी है या फिर बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग को ऐसा मैनिपुलेट किया जाता है। आपने देखा ही पिछले वीक की 36 सेकेंड के अंदर वो सना मकबूल एक स्टंट कर लेती हैं, और कल का भी अगर हम देखें विशाल आदित्य सिंह ने जो फाइटर जेट के ऊपर जो स्टंट किया और सना मकबूल ने कम समय लिया था, तकरीबन 6 मिनट के अंदर वो स्टंट पूरा कर लिया था उन्होंने, लेकिन एक फ्लैग गिर गया था इसकी वजह से वो स्टंट नहीं जीत पाए। दिव्यांका त्रिपाठी ने भी काफी अच्छा किया, थोड़ा टाइम ज्यादा लिया, लेकिन जो टास्क जो स्टंट परफॉर्म किया था सना मकबूल ने, अगर वो फ्लैग नहीं गिरता तो कल सना मकबूल को भी एक और रिकॉर्ड का मेडल मिल जाता कि भाई सबसे जल्दी आपने ये हवा में लहराने वाला स्टंट किया 6 मिनट और कुछ सेकंड में, और विशाल आदित्य सिंह ने थोड़ा समय ज्यादा लिया लेकिन स्टंट बेहतरीन किया था, मतलब दिल जीत लिया, और विशाल ने कहा भी था कि हाँ भाई मजा आया स्टंट करके। विशाल आदित्य की मैं यहाँ पे पूरी पूरी तारीफ करूंगा, क्योंकि पिछले वीक वो डू और डाई सिचुएशन में गया, एलिमिनेशन स्टेट में गया और कमबैक कितना जबरदस्त किया। ये जो फाइटर जेट के ऊपर स्टंट था, इसके बाद एक ऑस्ट्रिच वाला जो स्टंट था उसमें तो धागा खोल दिया, मतलब इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। वो जो ऑस्ट्रिच थे शुतुरमुर्ग, उनके गले में जो फ्लैग बंधा था, फिर उनके विंग्स के नीचे जो नंबर था उसको मैच करना था, फिर वो फ्लैग निकाल कर उसमें बांधना था। सौरभ राज जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन सौरभ की बॉडी लैंग्वेज देखकर लग रहा था कि वो, हालांकि उसने कहा भी कि वो दिमाग में एक प्लानिंग नहीं बना पा रहा, ऑलरेडी एक डर बैठ चुका था, और ये डर इसलिए बैठा था क्योंकि अभिनव शुक्ला ने एक ऐसी बात कही थी ऑस्ट्रिच के बारे में, एक फैक्ट बताया था कि इसकी जब लात पड़ती है किसी इंसान को तो हमारी रिब केज, हमारी हड्डियां तक टूट सकती हैं। तो ऐसे जब कुछ कमेंट होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं किसी कंटेस्टेंट का। ये वही सौरभ जैन है जिन्होंने एक दिन पहले कारों पर छलांग मार के अच्छा स्टंट परफॉर्म करा और बढ़िया तरीके से लोगों के दिल भी जीते, लेकिन एक बात आप देखें कि जिस कदर
मेकर्स अर्जुन बिजलानी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उतनी तवज्जो वो विशाल आदित्य सिंह को या फिर सौरभ राज जैन को नहीं देते हैं। ऑल्दो मुझे उम्मीद थी कि सौरभ राज जैन वहां डरेंगे नहीं, लेकिन एक किसी कंटेस्टेंट का बोला हुआ कमेंट किस कदर किसी इंसान का खेल खराब कर सकता है वो आपने कल देख ही लिया। अभिनव शुक्ला को कोई जरूरत नहीं थी ये फैक्ट बताने की कि ऑस्ट्रिच की पैर इतने स्ट्रांग होते हैं, हड्डियां तोड़ सकते हैं। सौरभ राज जैन कल नहीं कर पाए। आस्था गिल ने जो एक दिन पहले किया था राहुल के हारने की दुआ मांग रही थी, वो यहां पर भी कह रही थी सौरभ को कि भाई तू छोड़ दे, तू गिव अप कर दे। तो आस्था जो एक दिन पहले जीती थी कल उनके हाथ से वो मेडल चला गया, क्योंकि विशाल आदित्य सिंह ने धागा खोलने वाला परफॉर्मेंस दिया और एकदम धाकड़ दबंग लौंडे वाला रूप दिखाया है। एक तो फाइटर प्लेन के ऊपर, फिर वो ऑस्ट्रिच वाले चौड़े मैदान में, और इसके बाद जो अंडर वाटर स्टंट था जहां पर बंदे को स्विमिंग नहीं आती इसके बावजूद वो अंदर जाता है। और आप यहां पर भी देखिए कि पैनिक जब आदमी करता है तो कैसे घबराता है। वो जो बस थी अंडर वाटर वो ऐसे थी, मतलब उसका जो पीछे का हिस्सा था बस का उसमें काफी जगह थी जहां पर आदमी खड़े होकर सांस ले सकता था, अंदर जाए पानी में, वो जो मैनिक्विन बनी थी उन्हें खोल ले फिर आके सांस ले, लेकिन आदमी घबरा इस कदर जाता है। और तमाम जो कंटेस्टेंट है वो कोई भी नहीं कह रहे थे, रोहित शेट्टी ने सिर्फ अकेले कहा कि भाई बाहर आके क्यों सांस ले रहे हो, अंदर बस के अंदर जगह है। तो जब आदमी घबरा जाता है, पैनिक करने लगता है, तो किस कदर सामने पड़ी चीज भी दिखाई नहीं देती। ये गलती दोनों ही ने की, अर्जुन बिजलानी और विशाल दोनों ने बहुत बेहतरीन स्टंट किया है। ठंडा पानी, उसमें आपको बार बार अंदर जाना है बाहर आना है, आप स्विमिंग करते हो, जिन्हें आती उन्हें तो अच्छी बात है, विशाल को तो आती भी नहीं थी, कितना पैनिक होता है, घबराहट होती है। ऑल्दो उनको भी पता है कि नीचे सेफ्टी वाली टीम रहती है, किसी को डूबने नहीं देगी, लेकिन जब पानी में आदमी जाता है तो छटपटाहट होती है, घबराहट होती है, आदमी पैनिक होता है, और पैनिक होता है तो सामने पड़ी चीज भी नहीं दिखाई देती, जो कि रोहित शेट्टी ने अर्जुन को भी समझाया कि वे बाहर आके क्यों सांस ले रहा है, अंदर बस के अंदर इतनी गैप है पिछले हिस्से में कि तुम वहां आराम से खड़े रह सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपका IQ, कॉमन सेंस या आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है। जैसे दिव्यांगा त्रिपाठी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई थी स्टार्ट में, जब वो फाइटर जेट पर लटक रही थी, एक फ्लैग नीचे था, तो उन्होंने देखा कि भैया एक छोटा सा वो रस्सी का कुछ है जिसमें वो पैर फंसाकर उस पर लटक गई। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये जो आपका अवेयरनेस होती है, ये चली जाती है जब आप पैनिक करते हो। तो विशाल ने कुछ पैनिक किया, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। सौरभ राज जैन ने भी पैनिक किया, और श्वेता तिवारी तो सांप वाले स्टंट में इतना पैनिक कर गई थी कि उन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप करने का फैसला कर लिया था, लेकिन कन्विंस किया रोहित शेट्टी ने, तो श्वेता तिवारी ने स्टंट किया, लेकिन वहां पर भी अर्जुन द बिजलानी जो थे वो कुछ सेकेंड के मार्जिन से जीत गए। आखिरी वाला जो स्टंट था पानी के अंदर वाला, उसमें वो 20 सेकेंड से जीत गए, और हमने कल देखा कि 1 सेकेंड से जीत गए। तो ये जो कुछ सेकेंड में, मैं अर्जुन बिजलानी से कोई क्रेडिट ले नहीं रहा हूँ, उसका जुनून उसका डेडिकेशन दिखाई देता है, लेकिन आपको विशाल का भी देखना चाहिए कि उस बंदे को स्विमिंग ही नहीं आती है। वहाँ खड़े तमाम कंटेस्टेंट कह रहे हैं, जैसे कि श्वेता तिवारी, राहुल वैद्य, वरुण सूद का लोग ये कह देंगे कि भाई वो तो विशाल का एकदम जबरा दोस्त है तो बोले गई, लेकिन भाई जब 3-4 लोग कह रहे हैं और हमको भी दिख रहा है तो रोहित शेट्टी को वो चीज़ कैसे नहीं दिख सकती, ये तो समझ से परे है। खैर रोहित शेट्टी कभी नहीं सुधरेंगे क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं कलर्स के। वहाँ बिग बॉस में सलमान खान बोल देते हैं स्क्रिप्टेड नहीं है, यहाँ रोहित शेट्टी बोल देते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है मैनिपुलेट करके, क्या फ़ायदा हो जाएगा। भाई फायदा ये हो जाएगा कि कलर्स के जो लोग होते हैं या जो कलर्स के जो फेसेस होते हैं उन्हें आप, जैसे बिग बॉस में हमने देखा है निकी या फिर वो गर्दुल्ले जो खैराती विनर्स होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। अली गोनी की तो वायरल एक क्लिप भी हो गई थी कि 15 वीक का कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप ऑलरेडी इतने वीक का कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं और आपका इविक्शन होता नहीं, तो जाहिर तौर पर फिर जो पीआर होता है, अरे देखा वो गर्जी शेरनी, धाकड़ शेरनी, वो इतना आगे आ गई पब्लिक के सपोर्ट से। और यहाँ रोहित शेट्टी ने कहीं ना कहीं एक ऐसा नैरेटिव स्टार्ट कर दिया कि भैया कलर्स फेस होने का फायदा नहीं मिल रहा है, अर्जुन अपने बूते जीत रहा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्जुन बिजलानी बहुत मेहनत कर रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन उतनी ही मेहनत और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तो इतना अप्रिशिएशन या उनकी इतनी तारीफ कभी नहीं होती जितनी की अर्जुन बिजलानी की हो जाती है। और अगर आप स्टंट भी देखें तो यहां पर अर्जुन बिजलानी के सामने वो सांप वाले में श्वेता तिवारी थी जो कि ऑलरेडी काफी डरी हुई थी, और पहला जो स्टंट था चीते वाला वहां पर भी आपने देख लिया, वो छोटे हाइट वाली लड़की और श्वेता तिवारी से तो रनिंग में या हर चीज में, फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग या फिर जंपिंग वगैरह में अर्जुन थोड़ा बेहतर ही रहेगा फीमेल से। तो यहां कहीं ना कहीं एक अनसेड एडवांटेज दिया तो जा रहा है, कोई माने या ना माने। ओवरऑल इस वीकेंड की हम बात कर लें तो काफी अच्छे स्टंट रहे हैं। सौरभ जैन ने एक दिन अच्छा किया लेकिन उन्होंने डिसअपॉइंट भी किया। श्वेता तिवारी ने भी एक दिन अच्छा किया, हालांकि श्वेता तिवारी का वो जो कार वाला स्टंट था जिसमें उनके साथ अनुष्का थी, वहां कहीं ना कहीं अगर आप इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद श्वेता चाहती थी कि वो अनुष्का गिर जाए, क्योंकि श्वेता ने कहा था
चलो अनुष्का साथ में कूदते हैं। अनुष्का तो कूद के बेचारी नीचे गिरी, लेकिन श्वेता नहीं कूद पाई थी। बाद में जाकर बहुत एनकरेजमेंट के वर्ड या शब्द वगैरह उन्होंने बोले, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगा है। सौरभ से उम्मीद थी, लेकिन उसे इतना ना तो अप्रिशिएट करते हैं ये लोग, ना ही उसे इतना इंपॉर्टेंस देते हैं जितना कि अर्जुन बिजला या दिव्यांका को दिया जा रहा। और आस्था गिल ने तो कल मेडल वाले बाबू मुझे मेडल दिला दे, काफी मतलब इंपॉर्टेंस और जो फुटेज होता है वो आई थिंक इन लोगों को ज्यादा मिल रहा है। हालांकि कल विशाल की उन्होंने तारीफ तो अच्छी खासी की है कि दिव्यांका के बाद वो विशाल के अंदर एक फाइटर देखते हैं, एक जुनूनी इंसान देखते हैं जो कि बहुत आगे तक जाएगा। और हमें पता चल चुका कि विशाल टॉप 5 तक ऑलरेडी आ चुका है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर विशाल आदित्य सिंह, क्योंकि आप डू और डाई सिचुएशन से जाकर आपने कमबैक किया, तो हैट्स ऑफ टू यू विशाल, बहुत अच्छे से आपने परफॉर्म किया है। कभी कभी लक आपके हाथ में नहीं होता, जैसे कि रोहित शेट्टी ने कल बोला भी जब वो अर्जुन बिजलानी को ठंडे पानी से निकला, तो एज अ होस्ट होकर इतना बड़ा डायरेक्टर होकर भी अर्जुन बिजलानी के अगर वो पैर रगड़ रहे हैं, और एक इंसानियत, इसे मैं इंसानियत ही कहूंगा क्योंकि काफी ठंडा पानी था। उन्होंने रोहित शेट्टी ने एक बात कही थी अर्जुन को कि हारना और जीतना तो बात की बात है, आप अपना बेस्ट दो। तो आई थिंक अपना बेस्ट अर्जुन ने भी दिया है और विशाल ने भी दिया है, बट मेरा दिल ये कह रहा है कि विशाल यहाँ पर थोड़ा बेहतर था, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती है, प्लस उसका स्टेट बाकी कंटेस्टेंट जो थे उनको भी लगा कि विशाल ने थोड़ा बेहतर और जल्दी किया है। हालांकि रोहित शेट्टी की घड़ी में कुछ और ही टाइम हुआ था। तो ये है मेरा रिव्यू रिएक्शन इस हफ्ते खतरों का खिलाड़ी के ऊपर। अर्जुन पिजलानी को के मेडल मिल चुका है, जिसे वो आगे चल के इस्तेमाल करके कोई खतरनाक स्टंट को वो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे और कलर्स का झंडा बुलंद कर लेंगे। चलिए तो मैं करता हूँ ये वीडियो खत्म। आप भी कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया है तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।